तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन द IPv4 एड्रेस। तो हमने दो टाइप के IP एड्रेस वर्जन डिस्कस करे थे, IPv4 और IPv6। यहाँ पूछा गया है कि IPv4 जो एड्रेस होता है उसमें कितनी बिट्स होती हैं, 64 बिट्स, 128 बिट्स, 32 या फिर 16 बिट्स। तो यहाँ पे होती है 32 बिट्स। अगर बात करूँ IPv6 की तो उसमें होती है 128 बिट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन आता है, या तो आता है IPv4 से या फिर आता है IPv6 से। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। तो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है कि जो इंटरनेट होता है ना वो होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क जो बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क, तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे जो वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, इसके अंदर आता है हमारा इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट जो है वो पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर होता है, दैट मीन्स ये हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है वैन का। मैन क्या होता है, वी लैन क्या होता है और लैन, ये सब हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP। तो TCP की फुल फॉर्म क्या होती है? TCP आप जानते हो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रांजिस्टर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टेक्निकली करेक्ट प्रोटोकॉल या फिर टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो TCP है ये रिलायबल है या फिर अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन अ TCP IP नेटवर्क। TCP IP नेटवर्क में कितनी लेयर होती है, 6 लेयर, 3 लेयर, 5 लेयर या फिर 7 लेयर। अब यहाँ पे है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या है? देखो किसी किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा आंसर 4 लेयर और कहीं मिलेगा 5 लेयर। जो हमने पढ़ा है 4 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ TCP IP। लेकिन अगर मान लो 4 ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा ऑप्शन में? ऑप्शन में होगा 5, क्योंकि देखो अगर बात करें 4 की तो 4 में तो हमारी हो गई नेटवर्क एक्सेस लेयर। ठीक है, यहाँ पे हो गई नेटवर्क एक्सेस लेयर। इसके बाद आएगी इंटरनेट लेयर, फिर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फिर आती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। ये हमारा है 4 लेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, TCP IP मॉडल की अगर बात करूं। बट अगर बात करूं 5 लेयर आर्किटेक्चर की तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे आती है फिजिकल लेयर, देन वी हैव डेटा लिंक लेयर, इसके बाद वही इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सबसे ऊपर होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे TCP IP में आपको 2 मॉडल्स दिखाई देते हैं, 4 लेयर और 5 लेयर। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शंस एक साथ नहीं होंगे। अगर 4 है तो 5 नहीं होगा, 5 है तो 4 नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर 4 नहीं था तो मैंने 5 पे टिक कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको टिक करके आना है एग्जामिनेशन में। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SQL। SQL की फुल फॉर्म बतानी है। अब SQL हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया DBMS से, तो नेक्स्ट क्लास में हम DBMS स्टार्ट करके ख़त्म भी कर देंगे और साथ में क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा नहीं है। इसके बाद देखो यहाँ पे यह है व्हाट इज़ द साइज ऑफ द सोर्स पोर्ट इन अ TCP हेडर। TCP हेडर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो TCP हेडर के अंदर जो सोर्स पोर्ट है उसका साइज़ क्या होता है? 16 बाइट्स का होता है क्या, 32 बाइट्स का होता है क्या, 16 बिट्स या फिर 32 बिट्स। तो वापस आते हैं और TCP हेडर पर आएंगे। ठीक है, टीसीपी हेडर हमने यहाँ डिस्कस किया था। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो सोर्स पोर्ट का एड्रेस है, सोर्स पोर्ट का एड्रेस वो 16 बिट्स का है। तो आपसे टीसीपी हेडर में से किसी भी फील्ड का साइज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे कि विंडो साइज़ कितने बिट्स की होती है, सीक्वेंस नंबर कितने बिट्स का होता है, या फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर कितने बिट्स का होता है, और चेकसम कितने बिट्स का होता है। और चेकसम का इस्तेमाल हम करते हैं एरर करेक्शन के लिए, ठीक है, एरर करेक्शन के लिए या फिर एरर कंट्रोल बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टीसीपी हेडर में से किसी के भी फील्ड का साइज़ पूछा जा सकता है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखो सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट जो है दोनों ही जो होते हैं वो आपके 16 बिट्स के होते हैं। बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक है, बिट्स और बाइट्स का ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में किन्हीं भी दो नोड्स के बीच बहुत तेज संचार होता है, रिंग में, बस में, मैश में या फिर स्टार में। तो अगर बात करूँ मैश टोपोलॉजी की, टोपोलॉजी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल अरेंजमेंट क्या है डिवाइसेस का नेटवर्क के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी। अगर बात करूँ मैश टोपोलॉजी की, तो मान लीजिए हमारे पास 4 नोड्स हैं, इनको हमने मैश टोपोलॉजी की हेल्प से कनेक्ट कर रखा है। तो मैश टोपोलॉजी 2 टाइप की होती है, पार्शली कनेक्टेड और फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। फुली में क्या होता है कि हर एक नोड एक दूसरे नोड से कनेक्टेड रहती है। तो मान लीजिए ये हमारी है 1, ये है 2 नोड, ये है 3 नोड और ये है 4 नंबर की नोड। तो जो 1 वाली नोड है वो इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। जो 2 वाली है 1 से तो है ही, 3 से भी है और 4 से भी है। अगर बात करूँ 3 की, तो 3 1 से है, 2 से है और 4 से भी है। तो ये है हमारी फुल्ली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी, ठीक है, मतलब हर एक नोड हर एक दूसरी नोड से कनेक्टेड है, ठीक है, फुल्ली कनेक्टेड मैश है ये। अब यहाँ पूछा है ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें 2 नोड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सबसे फास्टेस्ट है। आपको मैंने बताया था कि मोस्ट रिलायबल जो हमारी टोपोलॉजी होती है वो होती है मैश टोपोलॉजी। तो मोस्ट रिलायबल का मतलब यही होता है कि सबसे फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट कौन सी है? मैश। अब ऐसा क्यों है आपको बता चुकी हूँ पहले ही। देखो मान लीजिए कि 1 नोड को 3 नोड को डेटा सेंड करना है, ठीक है, 1 नोड चाहती है 3 नोड पे डेटा को सेंड करना, बट जो यहाँ पे ये जो लिंक है ये हो गया है डिस्कनेक्ट। तो इसके पास अभी भी ऑप्शंस है डेटा को सेंड करने के। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? वो चाहे तो यहाँ से कर सकता है या फिर चाहे तो वो दूसरे पाथ से भी कर सकता है। तो यहाँ से भी हम सेंड कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नोड्स के बीच में सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होता है मैश टोपोलॉजी में, ठीक है, इसे बोलते हैं मोस्ट रिलायबल एंड फास्टेस्ट टोपोलॉजी। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या फिर गलत है। एफटीपी को डाउनलोड बाधित होने के बाद फिर से डाउनलोड शुरू करने की क्षमता के साथ मुख्य रूप से बड़ी फाइल स्थानांतरण के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो एफटीपी हमने डिस्कस किया है। एफटीपी होती है एक फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका इस्तेमाल करके हम 2 कंप्यूटर्स या फिर 2 डिवाइसेस के बीच में डेटा को सेंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आप डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर डाउनलोड कर रहे हैं वेब सर्वर से कोई फ़ाइल अपने सिस्टम के अंदर, और बीच में आपका इंटरनेट चला जाता है। तो उस केस में जिस भी पॉइंट पे आपका डाउनलोड रुक गया है, आप वापस से नेट आने के बाद उसको वहीं से ही रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी होती है एफटीपी के अंदर और इसीलिए इसको डिज़ाइन करा गया है। इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, किसी भी डेटा को प्रवाहित होने से पहले टीसीपी दोनों सिरों पर कनेक्शन स्थापित करता है। बिल्कुल ठीक है, आपको बताया था कि टीसीपी डेटा को सेंड करने से पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है। इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन में पूछा क्या है, गलत या फिर सही। कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हैं कि प्रेषक प्राप्तकर्ता द्वारा डेटा प्राप्त करने की सीमा से अधिक तेजी से डेटा नहीं भेज सकता। ओके। और नेक्स्ट क्या है, फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रेषक नेटवर्क द्वारा डेटा संचारित करने की सीमा से अधिक तेजी से डेटा नहीं भेज सकता। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है। अब गलत क्यों है पहले ये समझ लो। यहाँ पे जो ये डेफिनेशन है ये अपोजिट करके लिख दी है। जो फ्लो कंट्रोल होती है ना वो होती है इस अपर वाले की डेफिनेशन। फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल की डेफिनेशन फर्स्ट वाली है और कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की डेफिनेशन सेकंड वाली है। कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखो ये क्या है। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, फ्लो कंट्रोल में ये है कि मान लो एक सेंडर है, ठीक है, ये हमारा सेंडर है एंड दिस इज रिसीवर, ये रिसीवर है। सेंडर डेटा को सेंड करे जा रहा है बट रिसीवर उतनी स्पीड से डेटा को रिसीव नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर हमें फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल को इम्प्लाई करना पड़ेगा कि जो सेंडर है वो रिसीवर की जो एक कैपेसिटी होती है डेटा को रिसीव करने की, उस कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसे मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल का। क्लियर हो गया, मतलब जो रिसीवर की डेटा को कैप्चर करने की कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से, उस लिमिट से अगर ज़्यादा तेज़ी से डेटा सेंड करेगा सेंडर तो उस केस में डेटा लॉस हो जाता है और यहाँ पर हमें फ्लो कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो क्या है। कंजेशन कंट्रोल क्या होता है, ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रेषक नेटवर्क द्वारा डेटा संचारित करने की सीमा से अधिक डेटा नहीं भेज सकता। अब यहाँ पे कंजेशन मतलब क्या है, फिर देखो एक सेंडर है और ये हमारा रिसीवर है, ठीक है। अब सेंडर डेटा को सेंड करे जा रहा है, लेकिन डेटा को सेंड करने के लिए जो यहाँ पर नेटवर्क है इन दोनों के बीच में, उस नेटवर्क की भी एक डेटा कैपेसिटी होती है, ठीक है। उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर सेंडर डेटा को सेंड करेगा तो वहाँ पे कंजेशन हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हो ट्रैफिक हो जाता है कई बार, जब बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ रोड पर आ जाती है ट्रैफिक हो जाता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर बहुत सारा डेटा एक साथ नेटवर्क पर आ जाएगा जो नेटवर्क की होल्डिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तो उस केस में कंजेशन हो जाएगा और डेटा वहीं पर लॉस हो जाएगा, ठीक है, और डेटा आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए हम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो इट मीन्स ये जो डेफिनेशन से ये अपोजिट दी हुई है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो कौन से कथन गलत है, फर्स्ट भी गलत और सेकेंड भी गलत, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। TCP is a dash protocol whereas UDP is a dash protocol। अब देखो यहाँ पर क्या है, TCP आप जानते हो क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मतलब कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के बाद ही कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करता है। और जो UDP है, UDP स्टैंड्स फॉर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, ठीक है। दोनों ही हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। तो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल कौन सा है, इसमें SMTP, HTTP और TCP क्या है, सभी आपके एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है। हमने इनको अभी डिस्कस किया है ना, ये सब क्या है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है। और जो IP है ये आपका होता है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। IPv4 IPv6 हम नेटवर्क लेयर पर डिस्कस करते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इंटरनेट सुरक्षा के संबंध में SSL का पूर्ण रूप क्या है और यह डैश लेयर पर सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, C बिल्कुल ठीक है। SSL लेयर जो है वो होती है सिक्योर सॉकेट लेयर और ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर सुरक्षा प्रदान करता है, ना कि एप्लीकेशन पर। इसका आपको याद रखना है, सिक्योर सॉकेट लेयर, और ये जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। इसे याद कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिंग टू और मोर नेटवर्क्स टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर मान लो ये एक नेटवर्क है, ठीक है, ये एक नेटवर्क है और ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है, इन सब को जोड़ के अगर मैं यहाँ पर एक नेटवर्क बना रही हूँ तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे इंटरनेट वर्किंग। ठीक है, जब अलग अलग हम नेटवर्क्स को यूज़ करके एक सिंगल लार्ज नेटवर्क बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअसेंबलिंग द रिसीव्ड पैकेट्स एट रेसिपिएंट कंप्यूटर। देखो, जब हम पैकेट्स को सेंड करते हैं सेंडर से रिसीवर की तरफ, तो वहाँ पर सभी पैकेट्स सीरियल ऑर्डर में नहीं जाते हैं, कुछ पैकेट्स अनऑर्डर्ड हो जाते हैं। तो उसको ऑर्डरिंग करने के लिए इस्तेमाल में हम लाते हैं किसका, टीसीपी का यूज़ करते हैं उस केस में। तो टीसीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हम करेंगे। जो पैकेट्स हैं उनकी असेंबलिंग भी हो जाती है रिसीवर एंड पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल परफॉर्म्स डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन किस लेयर में होता है ओएसआई मॉडल के अंदर, नेटवर्क लेयर पे, फिजिकल लेयर पे, प्रेजेंटेशन या फिर डेटा लिंक लेयर पे। होमवर्क क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली इसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन नेटवर्क। नेटवर्क पर हम क्या शेयर नहीं कर सकते, डिस्क, प्रिंटर, प्रोसेसर या सीडी रोम। तो हम प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखते हो कि किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो वहाँ पे 1 से 2 प्रिंटर होते हैं, लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उसे शेयर कर रहे होते हैं, अपने सिस्टम से कमांड सेंड करते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इट मीन्स दैट प्रिंटर इज शेयर्ड ओवर द नेटवर्क। प्रोसेसर, सीडी रोम, डिस्क को आप शेयर कर सकते हो, लेकिन हम प्रोसेसर को शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोसेसर जो है वो सबका अलग अलग होता है। सीडी रोम भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर हम शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। टू विच अमंग द फॉलोइंग 255.255.255.0 असाइंड टू। तो ये क्या है, DNS सर्वर है, नन ऑफ दीज है, डिफ़ॉल्ट गेटवे या फिर सबनेट मास्क। तो ये सबनेट मास्क है, और कौन सी क्लास का, क्लास सी का सबनेट मास्क है। IPv4 एड्रेसिंग के अंदर जो अलग अलग क्लासेस होती है उसमें है ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। Which of these establishes communication between servers and workstation? सर्वर और वर्कस्टेशन के बीच में कौन है जो कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है, इंटरस्पेस, बैकबोन, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट या फिर गेटवे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। ठीक है, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट जो होता है वही सर्वर और वर्कस्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज नेटवर्क इज यूजुअली फास्टेस्ट। वैन फास्टेस्ट है, मैन, लैन या फिर सभी इक्वल होते हैं। होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। इन सभी के आंसर्स आप कमेंट में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे DBMS पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज केबल्स इज स्लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर केबल, थिन नेट कोएक्सियल केबल या फिर थिक नेट कोएक्सियल केबल। अगेन होमवर्क क्वेश्चन, मैं ये सब डिस्कस करवा चुकी हूँ अपनी क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी केबल में जो ट्रांसफ़र ऑफ डेटा है वो फास्टेस्ट है। यहाँ पर है स्लोएस्ट, यहाँ पे है फास्टेस्ट। ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, ऑप्शन सेम है, बस आपको यहाँ पे फास्टेस्ट और स्लोएस्ट का बताना है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ दीज नेटवर्क्स इज यूजुअली द स्लोएस्ट। अभी तक हम बात कर रहे थे केबल्स की, बट यहाँ पे नेटवर्क्स के बारे में पूछा है, कौन सा नेटवर्क स्लोएस्ट नेटवर्क होता है। लैन, मैन, वैन या फिर ऑल नेटवर्क्स आर इक्वली फास्टेस्ट। तो सबसे स्लो कौन सा है, सबसे फास्ट कौन सा है, इसे आप ही बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप सभी नेटवर्क के टाइप का डिफरेंस जानते हैं और केबल्स को भी समझते हैं तो आप डेफिनेटली इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो, IMPS स्टैंड्स फॉर। तो IMPS की फुल फॉर्म पूछे तो IMPS क्या है, एक मनी ट्रांसफ़र मोड है जिसका इस्तेमाल करके हम बिटवीन द टू अकाउंट्स मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है। ऑप्शंस देखते हैं, इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस, इंस्टेंट मनी प्रोसीजरल सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट मनी पेमेंट सर्विस। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो IMPS एक पेमेंट मोड है जिसको NPCI द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर SSL, short for dash, a method of coding which enables the private communication between the web browser and web server। तो इसकी फुल फॉर्म पूछिए क्या होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ऑप्शन नंबर बी हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ सिम। सिम जो आप यूज़ करते हो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल, सब्जेक्ट इंटरनेट मॉड्यूल, सब्सक्राइबर इंटरनेट मोबाइल या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। स्लिप स्टैंड्स फॉर, तो स्लिप की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? ये भी एक पॉपुलर प्रोटोकॉल है जो TCP/IP के साथ ही वर्क करता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म समझते हैं पहले। सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सीरियल लाइन इंटरनेट पैराडिगम, सीरियल लिंक इंटरनेट पैराडिगम या फिर सीरीज लिंक इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर ए, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन ओवर द सीरियल पोर्ट एंड राउटर्स के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन, फायरवॉल का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। हार्डवेयर ओनली, सॉफ्टवेयर ओनली, नीदर हार्डवेयर नॉर सॉफ्टवेयर या फिर बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं फायरवॉल का। अब यहाँ पे समझते हैं फायरवॉल का मतलब क्या होता है। देखो समझो, यहाँ पर फायरवॉल जो होता है वो हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जिसको हम एज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह से यूज़ कर सकते हैं। विच मॉनिटर्स ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक एंड बेस्ड ऑन अ डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स इट एक्सेप्ट्स, रिजेक्ट्स और ड्रॉप्स दैट स्पेसिफिक ट्रैफिक। ठीक है, तो फायरवॉल हमारे नेटवर्क में जितने भी पैकेट्स आ रहे हैं या फिर जा रहे हैं उनका ध्यान रखता है, उन्हें मॉनिटर करता है। अगर कोई भी मैलिशियस ट्रैफिक या फिर डेटा उसे दिखता है तो वो उसको क्या करता है, हटा देता है और सिक्योर करता है हमारे नेटवर्क को। तो मतलब यहाँ पर हम कुछ सिक्योरिटी रूल्स को डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से ट्रैफिक पैकेट्स हमें एक्सेप्ट करने या फिर रिजेक्ट करने। आप देखते होंगे कि कई बार होता है कॉलेजेस के अंदर कि कुछ सर्टेन वेबसाइट्स बंद कर देते हैं जिन्हें हम एक्सेस नहीं कर पाते अगर हम कॉलेज का इंटरनेट यूज़ करते, जैसे कि फेसबुक हो गया या फिर कोई और स्पेसिफिक वेबसाइट को वहाँ पे ब्लॉक कर देते हैं ताकि बच्चे उसको यूज़ ना कर पाए। तो यूजिंग दैट नेटवर्क हम उस पर्टिकुलर साइट को यूज़ नहीं कर पाते, तो वो होता है फायरवॉल की हेल्प से ही। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में ज़रूर से करना ताकि आपको अच्छे से हर कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे DBMS। एक ही क्लास में उसे ख़त्म करके क्वेश्चंस को करने के बाद हम फिर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें हम MCQs की हेल्प से MS Word, MS PowerPoint और MS Excel को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाती है और मल्टीमीडिया की PDF मैं डाल चुकी हूँ, वहाँ से आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मतलब कल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी नेटवर्किंग की PDF एंड देन हम पढ़ेंगे DBMS। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर से बता सकते हैं और आंसर ज़रूर करा कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।